Good morning, hello friends, how are you? Since we have completed four chapters in your science subject of class 6 science, and last was sorting materials into groups, okay? And in this chapter we have discussed about how to sort the materials according to their characteristics. We have discussed varieties of characteristics of the matter, okay? It may be there's a hardness, solubility, that is called appearance, okay? Hardness, solubility, then flexibility, ductility, everything we have discussed in this chapter, okay? And today, as I promised you, that in the next video we will discuss about the question answer and summary of the book and what that is the keywords, okay? So first of all, I am going to start the keywords, okay? As keywords are the important words that is in chapter which make us understand the chapter very easily. So I request you all to please pay attention on in these words, because these are very important, okay? So one by one we will discuss the keywords. So let's start keywords. First is hard. Hard is what? Hard is a appearance that is when materials which are difficult to compress, okay, or scratch are called hard. आप अगर कोई चीज को जो है compress करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है scratch करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा ये आपको difficult लगता है, then that is called its hardness, hard, okay. Next word is insoluble, okay. Insoluble is what? It is just opposite of soluble. So insoluble is some substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, okay. These substances are called insoluble in water, okay. हम solubility को जो है उसके solvent के आधार पे check करते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये soluble है या insoluble है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम water को ले तो बहुत सारी जैसे कि salts हैं, जैसे कि sugar है और common salt है, तो वो सॉल्युबल होते हैं. तो जस्ट इसके ऑपोजिट आप सैंड ले लो, है ना, चॉक पाउडर ले लो, जस्ट ट्राई टू डिसॉल्व इट इन वाटर, इट विल नॉट डिसॉल्व, सो इट इज इनसॉल्युबल, ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज लस्टर. लस्टर इज व्हाट? लस्टर इन हिंदी इट इज कॉल्ड एक चमक, ओके. दैट इज द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लस्टर. जैसे कि मेटल्स होते हैं, आपने देखा जैसे कि सोना है, चांदी है और तांबा है, दैट इज कॉपर, ओके. किस तरह के उनमें चमक होती है ना, दैट इज द अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज मटेरियल. सो मटेरियल इज व्हाट? मटेरियल इज द मैटर फ्रॉम व्हिच अ थिंग और ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, ओके, इज कॉल्ड मटेरियल. देयर इज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, ओके. तो जैसे अगर हम कॉमनली बात करें कि मटेरियल क्या है, तो मटेरियल वो ऑब्जेक्ट, वो चीज है, वो ऑब्जेक्ट है जिससे कि कोई भी चीज जो है बना होता है ना. तो मटेरियल एक तरह का चीज है जिससे हम लोग कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे कि वुड है एक तरह का मटेरियल है, इससे हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं. पेपर है एक टाइप का मटेरियल, इससे हम लोग बुक्स बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं ना. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, हम लोग इसको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए हम लोग जो है बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं, कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. तो हम अगर ये सिंपली बोले तो मटेरियल क्या है कि मटेरियल जिस चीज से वो बना होता है, ओके, कोई भी चीज, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज मेटल्स. सो मेटल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, है ना, अ सॉलिड मटेरियल, नॉर्मली सॉलिड, कॉमनली सॉलिड इट इज, which is typically hard, shiny, malleable, fusibility and ductile, with good electrical and thermal conductivity. जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, एलॉय है, है ना. तो अगर मैं कॉमन बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मटेरियल्स, मेटल्स क्या होते हैं,
उनमें क्या है खासियत होती है, एक तो वो एक तरह का मटेरियल है और उनमें खासियत क्या होती है कि वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, है ना। उसको हम लोग जो है पतले जो है पीट सकते हैं, बहुत सारे धातु आइटम्स बना सकते हैं, है ना। जैसे आप लोहे को लो, लोहे को आप बहुत सारी आइटम्स बना सकते हो, पीट कर गर्म करके, पीट करके। फ्यूजिबल है, डक्टाइल है, उसको आप जो है खींच कर तार बना सकते हो लंबे लंबे, है ना। और वो गुड इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी है, एक अच्छा जो है उससे करंट जो है फ्लो अच्छा होता है, थर्मल जो है मतलब हीट का ट्रांसफर अच्छा होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जिस मटेरियल में पाया जाता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ओके, और एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ पे आयरन को, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज ओपेक। सो ओपेक इज वॉट, ओपेक मीन्स अपारदर्शी। अगर हम हिंदी में बोले, अपारदर्शी मीन्स कि हम किसी उसके थ्रू वैसा ऑब्जेक्ट जिसके हम थ्रू नहीं देख सकते हैं ना। देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी कैनॉट सी आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंसेस, है ना। जैसे कि उस तरह के मटेरियल्स जिसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके पार नहीं देख सकते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड है, या फिर मोटी जो है कलर प्लास्टिक की शीट है, मोटी प्लास्टिक है, या आपके फर्नीचर्स हैं ओपेक होते हैं, डोर्स ओपेक होते हैं, है ना, जो वुड के बने हैं, मेटल्स के बने हैं, है ना। तो जिसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं उन आइटम्स को हम लोग ओपेक सब्सटेंसेस बोलते हैं, है ना। देन रफ, रफ क्या है, एक तरह का ये सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि अनइवन सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, स्मूथ नहीं है, लेवल नहीं है, तो हम लोग उसको जो है रफ बोलते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस, नॉट स्मूथ और लेवल इज कॉल्ड रफ। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड सॉल्युबल। सो सॉल्युबल इज व्हाट, सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व और डिसअपीयर इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबल। ओके, जैसे कि हमने पहले इनसॉल्यूबल पढ़ा था, अब हम लोग सॉल्यूबल पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूबल क्या हो गया कि वैसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं कोई भी सॉल्वेंट में, है ना। और ये हम लोग सॉल्वेंट के ये में जो है सॉल्युबिलिटी और या इनसॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे हमारे वाटर ले, तो वाटर में जो सब्सटेंस घुल जाते हैं तो हम उसको जो है कहेंगे सॉल्युबल है ना। और जो नहीं घुलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट, शुगर जो है सॉल्युबल है, चॉक पाउडर, वुड, सैंड, सॉयल, ये सब इनसॉल्युबल है। ओके, आप देखिए आते हैं ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसलूसेंट मतलब हो गया कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे कि रफ ग्लास, है ना, और जैसे कि पेपर की शीट जिसमें ऑयल लगी हो, तो ट्रांसलूसेंट है, हम तो उसके थ्रू देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते कि क्या है ऑब्जेक्ट, है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जस्ट उसके जो है क्या है, वह ट्रांसपेरेंट की जिससे थ्रू हम लोग देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो ये रहा कीवर्ड्स, तो आप लोग इसको प्लीज रिवाइज करिए बार बार, तो आपको ये जो है अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो दैट इज फॉर द कीवर्ड्स। अब हम लोग जो है जो पढ़ेंगे वो है समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट समरी। ओके, समरी इज फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो है चारों ओर जो है बहुत सारी वैरायटीज के ऑब्जेक्ट्स जो है मिलते हैं, जो कि बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं, है ना। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, है ना। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है मटेरियल्स है, जैसे कोई भी मटेरियल जो हमारे पास है
वो हम लोग जो है बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के हम लोग फर्नीचर्स बना सकते हैं, उसके हम लोग जो है बाल्टी बना सकते हैं, मग्गा बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, है ना। उस बैग्स बनते हैं, है ना। तो कोई एक मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई सकती हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। ये भी संभव है कि कोई एक चीज जो है एक ही मटेरियल का बना हो, और ये भी संभव है कि कोई जो चीज जो है बहुत सारे मटेरियल्स का बना हो। जैसे कि आपके जो है जैसे हम बात करें जो मेटल्स हैं, जिसको मान लिया मेटल की चेयर है या फर्नीचर्स है, तो नॉर्मली एक ही के बने होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें उसके जो फ्रेम होते हैं हम लोग मेटल के बना लेते हैं फर्नीचर्स के, और उसमें फिर हम लोग वुड का यूज करते हैं, तो दो टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने यूज किया एक चेयर बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज से, एक मटेरियल से एक चीज भी बन सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट से एक से ज्यादा मटेरियल्स के भी बने हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हम लोग मटेरियल्स होता है तो अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग खासियत होता है ना। जैसा कि हम लोग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए, इसके हार्डनेस के बारे में, इसका अपीयरेंस के बारे में, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, इसकी कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। तो एक मटेरियल्स जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई हार्डनेस अगर हम चेक करें तो कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा। अगर हम लोग उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी चेंज के चेक करें तो कोई ट्रांसपेरेंट होगा, कोई ट्रांसलूसेंट हो सकता है, कोई ओपेक हो सकता है। हम अगर उसकी कंडक्टिविटी चेक करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेक करें, तो कुछ जो मेटल्स होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल, वो दे विल बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम उसकी जगह जो है नॉन मेटल्स चेक करें या ओड चेक करें, तो दे विल बी नॉन कंडक्टर्स। ओके, दे विल नॉट, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स, दे आर नॉट द कंडक्टर्स। ओके, नाउ ये तो हो गया इसके बारे में कि डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। सम आर रफ, सम स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट। ये मैंने अभी ही आपसे बात किया कि डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात की जा रही है कि कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं कि वो रफ हों, कुछ स्मूथ हों, उसी तरह से कुछ मटेरियल जो है हार्ड हो सकते हैं, कुछ जो है सॉफ्ट हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सम मटेरियल्स आर सोल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसोल्युबल। ओके, तो इसी तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। तो हम लोग जो है इसको सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, है ना। तो कुछ चीजें सॉल्युबल होंगी, कुछ जो है इनसॉल्युबल होंगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट। ओके, जैसा कि इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात की ट्रांसपेरेंसी के बारे में, कि जैसे कि कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि ग्लास, ग्लास है तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। उसी जगह जो है वुड है तो क्या होगा, ओपेक होगा, मेटल्स ओपेक होगा, है ना। और कुछ मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल्स आर ग्रुप टूगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो मटेरियल्स जो है वो उसके हम लोग जब ग्रुपिंग करते हैं, जो कि मेन उद्देश्य है इस चैप्टर का, जो हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए, कि हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे मटेरियल्स को, और सॉर्टिंग कैसे करेंगे उसको, जो है अलग अलग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या किस आधार पे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, उसके जो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे, डिफरेंसेस के आधार पे जो है हम लोग मटेरियल्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो है सेपरेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी।
तो हमारा जो मेन उद्देश्य है ग्रुपिंग करने का, वो तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए करते हैं। इसलिए हम लोग सॉर्टिंग करते हैं मटेरियल्स का, एक तरह की आइटम्स को हम लोग एक जगह रखते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर है तो शॉपकीपर के शॉप में हजारों हजारों आइटम्स होते हैं। कि मेडिसिन के शॉप की आप एक कल्पना कर लीजिए कि एक मेडिसिन के शॉप में छोटे छोटे मेडिसिन जो है होते हैं, और आप देखें बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो वहां पे स्टाफ जो है इजीली बहुत ही कम समय में उसको जो है ढूंढ लेता है। वो इसलिए ढूंढ लेता है क्योंकि वो मटेरियल्स को शॉर्ट करके रखते हैं, है ना। अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो है हम लोग अपना काम को कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो है सॉर्टिंग करते हैं। ओके, तो यही है इस चैप्टर का मेन उद्देश्य। ओके, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज जो है पॉइंट जो है आ गया होगा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वेरी इजी क्वेश्चन। वुड, फर्नीचर्स, पेंसिल, पेंसिल की वुड है ना, डोर्स, विंडोज, चेयर है ना, एंड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूजिंग द वुड। ओके, घरों की छप्पर में भी, कच्चे घरों में वुड आपने देखा होगा है ना, ये सब यूज किए जाते हैं। और शॉप्स में बॉक्सेस बनाने के लिए आलमीरा, एवरीथिंग, बहुत सारे यूजेस हैं जो कि वुड से होता है। इवन पेपर्स भी वुड से ही बनते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ओके, तो आपको इसमें से वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि शाइन करते हैं। तो कौन कौन से शाइन करते हैं? ग्लास बाउल शाइन करता है, प्लास्टिक टॉय वो भी शाइन करता है। सॉरी, प्लास्टिक टॉय जो है शाइन नहीं करेगा क्योंकि प्लास्टिक में तो उतनी चमक होती नहीं है। ग्लास बॉल शाइन करेगा क्योंकि वो ग्लास की बनी है। स्टील स्पून शाइन करेगा, कॉटन शर्ट शाइन नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपको एक कॉलम में जो है ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको दूसरे कॉलम में मटेरियल्स दिए हुए हैं जिससे वो बने हो सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट्स को जो है मैच कराना है उसके मटेरियल जिससे वो बना हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बुक। सो बुक किसका बना होता है? बुक बना होता है पेपर का, है ना। नेक्स्ट टम्बलर, टम्बलर मीन्स ग्लास। ग्लास जो है आपका ग्लास का बना हो सकता है और प्लास्टिक का बना हो सकता है टम्बलर। थर्ड इज चेयर। चेयर जो है आपका वुड का बना होगा, है ना। पेपर का तो बना नहीं सकते, ग्लास का बना नहीं सकते, लेदर का बना नहीं सकते, प्लास्टिक का हम लोग चेयर बना सकते हैं, प्लास्टिक के चेयर बनते हैं। टॉय, टॉय आपका जो है थोड़े बहुत ग्लास के बने हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्लास्टिक के बने होते हैं, नॉर्मली प्लास्टिक के बने होते हैं। टॉयज, पेपर्स के यूज करके आप टेम्पररी टॉयज बना सकते हैं। शूज, शूज जो है लेदर के बने होंगे। और जो आपके जो है बरसाती जो शूज आते हैं वो आपके प्लास्टिक्स के भी बने होते हैं, थोड़े बहुत मिक्स करके, है ना, रेजिन्स के, प्लास्टिक्स के भी बने रहते हैं, जो जो हम लोग जो है रेनी सीजन में यूज करते हैं। बट आप जो है यहाँ पे मैच करेंगे ओनली लेदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स।
यहाँ पे आपको बताना है दैट द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्लास इज ओपेक, दिस स्टेटमेंट एज नॉर्मली विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर टू, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now statement number two, a notebook has luster while eraser does not. So a notebook has luster, that is false. Eraser does not. Yes, eraser don't have luster, but book, notebook also don't have luster. Chalk dissolves in water, that is false. Chalk will not dissolve in water. You can try it at your home. A piece of wood float in on water. Yes, piece of wood float always float on water. Next statement is sugar does not dissolve in water. That is false. Sugar will dissolve in water. Next statement is oil mixes with water. Okay, so oil mix with water, false. Oil will not mix with water, they will separate out. Statement number seven, sand settles down in water. Yes, this statement is true. Vinegar dissolves in water. Yes, vinegar dissolves in water. So last two statements are true and other all statements are false except statement 4. A piece of wood float on water. Yes. Question number 5. Given below are the names of some objects and materials. Water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. Group them as round shaped and other shape. So first of all we will discuss about the round shape. So basketball is round, orange also round, sugar no, globe yes, apple yes, earthen pitcher yes, other shapes water and sugar. B, eatables and non-eatables. So eatables are water, orange, sugar, apple. Okay, non-eatables are, rest of them are non-eatables. Question number 6. List all items known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. So, there are so many things that will float on water. Okay, for example, plastics, wood. Okay. Then your balloon filled with air, that they will float, and boat what will float on water, then foam also float in water. Now you have to check that these items will float on oil or kerosene or not. Okay, it depends on the density of that item material. Okay, we all as density of oil is less than water, that's why oil floats on the surface of water. So all things that will float on water will not float in kerosene, but some items that float in water may also float in kerosene. For example, foam density is always less, so foam will float on both kerosene and water. Next thing is boats which float in water may sink in kerosene. Okay, then you can take so many examples and you can try it at your home also. This is do and check a question, and main theory behind this question is that the density of water is more than kerosene, so all things that will float in water will not float in kerosene. Okay, keep in mind.
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। सो बेबी इज हियर ऑड वन बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर डेड, बेबी इज लाइव। बी रोज, जैस्मिन, बोट, मारीगोल्ड एंड लोटस। वेरी इजी दैट बोट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स बिकॉज ऑल अदर्स आर फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। हियर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर दे आर मेटल्स एंड सैंड इज नॉन मेटल्स। डी सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। हियर सुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट दिस ऑल विल डिजॉल्व इन वॉटर। ओके बट सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन वॉटर, सो सैंड इज ऑड वन। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स। So I hope you all have understand the every all the questions, the summary also of this chapter and the keywords. That was the main focus of this video to me. Okay, so I request you all to please watch the earlier videos if you have not watched till now, and make yourself aware with the all the points of this chapter, and you will be easily can grasp all the knowledge behind this chapter. Okay, so students, cadets, friends, please keep in touch with the channel so that you will get the further more videos of okay, and I will continue this chapter wise teaching to you classics, cadets, students, friends. Okay, so please subscribe my channel and be in contact with. Okay, so thank you very much. We will meet with the next chapter, with the next video, some days later. Okay, thank you very much. Bye bye. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वैरायटीज ऑफ वीडियो मिलेंगे। ओके, आप वीडियो कैटेगरीज में चेक करिए, आपको यहाँ पे जो है आपके क्लासेस के अभी तो अपडेट्स जो है सारे वीडियोज जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अभी तक जितने हुए हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले आपको क्लास 8 के वीडियोज भी अवेलेबल हैं साइंस के, क्लास 7 के भी अवेलेबल हैं, और इसके आउट ऑफ द सब्जेक्ट कुछ वैरायटीज ऑफ वीडियो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टार मेकर के बारे में और कुछ सिंगिंग के हैं, और डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं इसके बारे में भी है, और आनंदी बाई जोशी जो हमारे कंट्री के पहले डॉक्टर थी उसके बारे में वीडियो है। ओके, कोरोना से रिलेटेड वीडियो है। तो इसी तरह के और भी वैरायटीज ऑफ वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करिए और इन वीडियोस को देखने का आनंद उठाइए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।